ये वीडियो लड़का और लड़कियों के लिए है कि दुबई में लड़का और लड़कियों को काम कैसे मिलता है, कितना जल्दी काम मिलेगा, कौन सा काम में कितना पैसा है, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे तो एक बात का खुशी हुआ है क्योंकि मेरे को बहुत सारे लड़कियों ने कमेंट किया है कि दुबई में लड़कियों के लिए जॉब नहीं बताते हैं, आप लड़कियों के लिए कोई जॉब बताइए। ठीक है, तो आज ये वीडियो में लड़कियों के लिए बताऊंगा और लड़के के लिए बताऊंगा कौन सा जॉब आसानी से आपको दुबई में मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी मेरे बहन ने कमेंट किया है कि कॉफ़ी शॉप का कोई काम है तो उसके बारे में बताइए, या कोई क्लीनर का काम है तो उसके बारे में बताइए। तो जो लोग क्लीनिंग का काम, मतलब जो नॉर्मल काम है, कौन कौन सा काम में कितना सैलरी मिलता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा और मेरा एक दोस्त यहाँ पे काम करती है लड़की, उससे मैं आपको पूछूंगा कि लड़कियों के लिए दुबई कितना सेफ है, कितना उसका सैलरी मिलता है। वो मेरा दोस्त है, नेक्स्ट वीडियो उसके साथ ही आने वाला है। मैं भाई डेली वीडियो नहीं डालता है क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है और मैं जब तक नॉलेज इकट्ठा ना करूँ उसके लिए तब तक मैं ऐसे झूठ या बकवास कुछ भी बोल करके नहीं डाल सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी के बारे में बताता है, जो लोग कमेंट करते हैं उसी के बारे में बताता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूं, इस ऑफिस में बहुत सारे लड़कियां रहती हैं, बहुत सारे देश के लोग रहते हैं यहां पे, तो मैं मिलता हूं उन लोग से, बातें करता हूं। तो क्या क्या जरूरी है आपको दुबई में आने के लिए, क्या क्या आपको चाहिए, हर एक चीज़ बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं है। वो लोग बोल रही है भाई फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाइएगा। तो ये वीडियो लड़की और लड़का दोनों के लिए है, कौन सा काम आसानी से मिल सकता है आपको, आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो लड़कियां हैं दुबई में काम करना चाहती है, जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरे भाई है, अगर दुबई में आकर के आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग को दुबई में काम कैसे मिलेगा, आप लोग प्रोसेस, आप लोग को आने के लिए प्रोसेस क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो लड़की है उनको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले आपको पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पासपोर्ट कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा वो आप किसी से जाकर के आप पूछ लीजिए, क्योंकि हर किसी को, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी और से पूछ लीजिए पासपोर्ट कैसे अप्लाई होता है। उसमें कुछ पैसा लगता है, 3,000-4,000। ठीक है, मैंने तो आज 5-6 साल पहले अप्लाई किया था पासपोर्ट, अभी के बारे में उतना मेरे को नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है क्या चल रहा है, लेकिन अप्लाई कीजिए सबसे पहले पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट आ जाता है तो दुबई आने के लिए दो रास्ता है। ठीक है, एक मेन पावर ऑफिस होता है, ठीक है, जो एजेंट के थ्रू भी जाया जाता है, और एक या तो आप डायरेक्ट मेन पावर ऑफिस में जा सकते हो। ठीक है, मैं हर किसी को एक ही बात बताता हूँ, आप कभी भी जाओ दिल्ली, मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहर में जाओ, क्योंकि वहाँ पर अच्छा इंटरव्यू चलता है, अच्छा सैलरी लगता है। ठीक है, आप एजेंट के चक्कर मत पड़ो, और आप बड़े ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर पैसा भी कम लगता है। ठीक है, तो आप बड़े ऑफिस में जाओ, वहाँ से इंटरव्यू दे करके आओ दुबई। ठीक है, और पहला, दूसरा बात दूसरा है कि आप वीजा निकाल करके दुबई आ सकते हैं, फिर यहाँ पे आकर के आप काम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आया था, मैं अपना विजिट वीजा निकाला था 3 मंथ का, और मैं टिकट निकाला था। ठीक है, फिर यहाँ दुबई आया, दुबई 300 का बेड स्पेस मिलता है, वहाँ पे आप रहिए 1 मंथ के लिए, आप फिर इधर घूम करके कंपनी सर्च कीजिए या ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ठीक है, सबसे मस्ट हेल्पफुल जो होता है दुबई में जॉब अप्लाई करने के लिए वो होता है ऑनलाइन ऐप। ठीक है, ऑनलाइन ऐप बहुत सारा है, डूविजल है, इन लिंक है, दुबई जॉब है, नौकरी.com है, सबसे अच्छा है इंडीड। ठीक है, इंडीड और इनलिंक, ये दोनों पर मैंने अप्लाई किया था, ये बहुत अच्छा हेल्प मिलता है इस ऐप से। ठीक है, या नहीं तो ओपन इंटरव्यू बहुत चलते रहता है, तो जिस भाई को पता करना है ओपन इंटरव्यू कहाँ चलता है वो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डालते रहता है कि ओपन इंटरव्यू दुबई में जहाँ भी चलता है, पूरा UAE में कहीं भी ओपन इंटरव्यू चलता है मैं बताते रहता है। अगर आप दुबई में रहते हैं, अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कब इंटरव्यू है, कितना सैलरी है, आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए। बात आती है कि जो लड़की 10th पास है 12th पास है, ठीक है, तो वो कौन सा काम कर सकती है। ठीक है, एक लड़की ने भी मेरे को कमेंट किया था कि भाई क्लीनर का जॉब बताओ भैया। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा बहन कि अगर आप पढ़ी लिखी हो, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप क्लीनर में मत आओ, आपको आना है तो आप पैकिंग में आ जाओ, हेल्परी में आ जाओ, क्योंकि
यहाँ पे आप ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में क्या होता है ऑफिस गर्ल में आ जाओ ठीक है, या तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्शन, लेकिन आपको मस्ट थिंग्स इंग्लिश बहुत ज़रूरी है दुबई में आने के लिए, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में जा रहे हो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। आप थोड़ा बात मतलब नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है ना वो सोचना समझना चाहिए और वो करना चाहिए ठीक है। तो मस्ट थिंक है इंग्लिश बहुत ज़रूरी है यहाँ गल्फ में काम करने के लिए ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगी इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है ज़्यादातर दुबई में ठीक है। और आप अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करती हो ना तो वहाँ पे भी आपका इंग्लिश में ही वहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको इंग्लिश आता है ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो शायद सिलेक्शन ना हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। तो बहन आप सबसे पहले आपको इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा ठीक है। दूसरा नंबर है आपको, आप क्लीनर में मत आओ, क्योंकि क्लीनर में आते में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे और सैलरी भी बहुत कम लगता है ठीक है। आप किसी कॉफ़ी शॉप में जा सकते हो, वेटर के काम में जा सकते हो ठीक है, पैकिंग में जा सकते हो, हेल्परी में जा सकते हो, क्योंकि लड़कियां का भी यहाँ पे हेल्परी होता है ठीक है। आप सिक्योरिटी गार्ड में जा सकती हो, आप अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप ऑफिस में जाओ, रिसेप्शन में बैठो जा करके ठीक है, क्लीनिंग सुपरवाइजर बनो ठीक है। मतलब कि बहुत सारा काम है दुबई में लड़कियों के लिए, बहुत सारी लड़कियाँ कर रही है ठीक है। मैं देखता हूँ यार हर जगह की लड़कियाँ है यहाँ पे ठीक है, हर जगह की लड़की है यहाँ पे दुबई में ठीक है। इंडिया के भी है, लेकिन इंडिया कुछ साइड से नहीं है, जैसे हमारा बिहार झारखंड नेपाल की तो लड़कियाँ पूछो मत, नेपाल और फिलीपीन की लड़कियाँ यहाँ पे भरी पड़ी है ठीक है। पता नहीं लोगों को क्यों शर्म आता है लड़कियों को दुबई भेजने में या कहीं गल्फ कंट्री भेजने में और कमाने में। पहले क्या था, लड़कियाँ घर में ही बैठ करके रहती थी, घर में ही सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे को जहाँ तक नॉलेज है मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी मर्द है लड़की है जो कुछ भी है वो गल्फ आए कमाए अपना पैसा और अपना खुद खर्चा चलाए वो लोग। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ लड़कियों के लिए कि भाई आप लोग निकलो अपना पासपोर्ट बनवाओ, क्योंकि लड़का लड़की में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। तो आप लोग को निकलना चाहिए घर से, आप लोग को ट्राई करना चाहिए। अगर आपका वैकेंसी नहीं जा रहा है फीमेल के लिए इंडिया में, तो आप एक चीज़ काम करो, आप अपना वीजा निकालो, विजिट वीजा निकाल करके अपना टिकट लो, दुबई आ जाओ। कोई भी जान पहचान के आपका होगा इधर वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, अगर नहीं हेल्प करेगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकती हो या तो आप मेरे को DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बहुत हेल्प करेगा भाई। मैं लड़की हो या लड़का, जो लोग मेरे से हेल्प मांगते हैं, जो मेरे पास अगर नॉलेज होता है, जो मेरे पास अगर वैकेंसी होता है, मैं उन लोग को ज़रूर बताता हूँ, ज़रूर उन लोग का जॉब लगता है ठीक है। तो लड़कियों के लिए ये वीडियो था कि भाई अगर आप हेल्पर में आते हो या आप अगर आप क्लीनर में आती हो, आपका सैलरी 1000 दरहम से 1100 दरहम लगेगा, मतलब इंडिया का 22-23 हज़ार ही कमा सकती हो, बट उसमें आपका खाना रहता है ठीक है। अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाती हो वहाँ पे 1500-1600 आपका सैलरी लगेगा ठीक है। और क्या होता है वहाँ पे टिप मिलता है ठीक है, क्लीनर में भी टिप मिलता है, बट डिपेंड ऑन साइड, आपका साइड कैसा है। अगर आपको ऑफिस में डाल देगा तो आपको टिप नहीं मिलेगा, अगर आपको किसी घर में डालेगा जैसे हवाली में काम होता है, मान लो कि कोई बुलाता है 1 घंटे के लिए अपना घर साफ करने के लिए ठीक है, तो वहाँ पे जा अगर आपका कंपनी भेजता है वहाँ पे आप जाती हो 1 घंटा क्लीन करोगे, फिर वो पैसा आपको थोड़ा सा टिप देते हैं ठीक है। ऐसे ही अगर आप दिन भर में 3-4 घर में गई तो थोड़ा बहुत आपको 10-10 दरम मिलेगा, तो 40-50 दरम हो जाता है। तो लड़कियों को ऐसा टिप मिलता है जो लोग काम करती हैं ठीक है। तो अगर आप कॉफ़ी शॉप में हो तो वहाँ पे भी आपको टिप मिलेगा, अगर आप वेटर में हो वहाँ पे भी आपको टिप मिलेगा ठीक है। अगर आप पैकिंग में जाती हो वहाँ पे आपको टिप नहीं मिलेगा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका सैलरी अच्छा रहेगा, 1200 से 1500 लग जाएगा। बाकी एकोमोडेशन आपका कंपनी देता है, रहने का जो रूम बोलते हैं उसको एकोमोडेशन बोलते हैं दुबई में, और जो आपका खाना रहेगा वो आपका रहेगा ठीक है। तो अगर आप किसी हेल्परी में जाती हो, हेल्परी में भी लड़कियां काम कर रही है यार ठीक है, वेयर हाउस में जो कोई सामान उठाना, रेटिंग लिखना या कोई मॉडल नंबर लिखना, जो भी सामान आ रहा है उसका एंट्री एग्जिट ठीक है। ऐसे अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आती हो तो आपको 1800 सैलरी लगेगा, मतलब 1800 से 2000, क्योंकि आपका इंडिया का 40 से 50 हज़ार रुपये हो जाएगा
अगर 1800 से 2000 दिरहम सैलरी लग गया तो ठीक है। तो भाई लड़कियां आप इस वीडियो को देखो, आप खुद समझो ठीक है आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि घर वाले परिवार वाले हर दम वो नहीं सोचेंगे कि लड़कियां दुबई जाए कमाए। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ भाई, हर किसी को, हर लड़की को अपना फ्रीडम है अपना काम करने के लिए ठीक है। ये वीडियो लड़कियों के लिए था, फीमेल के लिए था ठीक है। अगर आपको काम करना है दुबई में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करेगा ठीक है। तो और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो लड़की मेरे साथ रहती है, काम करती है, मेरा दोस्त है, उसके साथ वीडियो आने वाला है, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।